अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जिनको क्वेश्चन करना है आप लोगों ने पूछना है तो पूछिएगा। अच्छा, अभी जितना हमने पढ़ा था, जितना हम पढ़ चुके हैं, उसको मैंने एक एग्जांपल बनाई आपके लिए, और ताकि हम उसकी प्रैक्टिस कर लें कि रिकंसिलिएशन यानी कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटिव स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन बनती कैसे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन जितनी एडजस्टमेंट पढ़ी है हमने अभी तक पढ़ी है, वो सारी मैंने इसके अंदर अकाउंट फॉर कर ली। चलो एक नजर देखते हैं क्वेश्चन में। ये दो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन दी हुई है, एक हॉल की और एक स्टैंड की। इसमें पीपीई, इन्वेस्टमेंट इन स्टैंड, करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, लाइबिलिटीज में 8% डिबेंचर लोन्स और करंट लाइबिलिटीज। अब नीचे एडजस्टमेंट में वो हमें दे रहा है, ऑन 1 जनवरी 2013 हॉल एक्वायर्ड 75% ऑफ स्टैंड फॉर रुपीज 10 मिलियन। इसको ठीक कीजिएगा, 10 मिलियन फॉर रुपीज 10 मिलियन। ठीक है, फर्दर ₹6 मिलियन एग्री टू पे इन 5 ईयर्स टाइम एंड ऑल्सो एग्री टू इशू 2 शेयर्स अगेंस्ट 5 शेयर्स हेल्ड। हर 5 शेयर के अगेंस्ट आपने 2 शेयर इशू करने हैं। डिस्काउंट रेट इज 10% एंड शेयर प्राइसेस ऑफ हॉल एंड स्टैंड एट एक्विजिशन डेट वर ₹12 एंड ₹11 पर शेयर। एट दैट डेट द बैलेंस ऑन द स्टैंड रिटेन अर्निंग वॉज ₹10 मिलियन। Goodwill was tested for impairment and it was identified that 20% and 30% impairment was made at 31st December 2014 and 15 respectively. ठीक है, इसमें दो impairment मैंने दी। अब ये जरा क्वेश्चन को देखिएगा। पहली चीज, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, मेरे ख्याल इसको एक्सेल में कर लें तो टाइम कम लगेगा हमारा। ओके, अब ये प्रॉपर फॉर्मेट देखिएगा पहले, उसके बाद हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो सबसे पहली चीज लिखनी होती है इस क्वेश्चन के अंदर, वो ऑब्वियसली नेम है। और नेम कैसे लिखा जाता है, जो जिस कंपनी ने एक्वायर किया होता है हॉल, तो उस वो आप कंसोलिडेट करेगा। इसके ऊपर हम जो पहली हेडिंग देते हैं वो इस तरह लिखते हैं, हॉल ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप अकाउंट्स होते हैं, इसलिए हम ग्रुप का वर्ड ऐड करते हैं। जो भी पेरेंट कंपनी होती है, पी है तो पी ग्रुप। उसके बाद कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एज एट 31st December 2015, आई थिंक 31st December 2015। ठीक है जी, ये लीजिए। ये तीन हेडिंग्स जिस तरह हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कोई भी स्टेटमेंट बना रहे हो तो पहले आप इस तरह लिखोगे नेम ऑफ द बिजनेस, स्टेटमेंट का नाम, और उसके बाद फिर आप लोगे डेट। अच्छा, अब ये रुपीज इन थाउजेंड्स है तो रुपीज इन थाउजेंड ही रखूंगा मैं। अब क्योंकि क्वेश्चन जब मैंने स्टार्ट करना है तो पहला पेज मैंने छोड़ देना है, क्योंकि पहले बेसिक वर्किंग जरूरी है। वर्किंग जैसे हमने पढ़ा था कि ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप स्ट्रक्चर में सिर्फ तीन चीजें शो करनी है। नंबर वन, डेट ऑफ एक्विजिशन, जो बहुत जरूरी है। अभी आपको शायद इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया ना हो, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा इसकी रीजन क्या है। अब डेट ऑफ एक्विजिशन देखिएगा तो वो लिख रहा है 1 जनवरी 2013 हॉल एक्वायर्ड 75% ऑफ स्टैंड। तो ये 1 जनवरी 2013 लिखोगे और इसको देखिएगा, इसको माइंड में रखिएगा कि जो एक्विजिशन है, एक्विजिशन डेट से लेकर रिपोर्टिंग डेट 2 ईयर्स है, तो
तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स मैंने करनी है वो 2 ईयर्स की करनी है, ये इसलिए लिखी जाती है। अब होल्डिंग लीजिएगा, होल्डिंग कितने परसेंट है हमारी, 75%। ठीक है जी, और डेफिनेटली एनसीआई फिर मेरा 25%। ये 3 चीजें हमने ली। अब इसके बाद वर्किंग 2 में जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी विच इज स्टैंड। अब नेट एसेट्स ले रहा हूं मैं स्टैंड के, अब इसमें 2 लेने हैं, एक एक्विजिशन डेट एट 1 जनवरी 2013 और एट रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर 2015। अब नेट एसेट्स की तरफ आते हैं। नेट एसेट्स आपने स्टैंड के लेने हैं। नेट एसेट्स इज इक्विटी, शेयर कैपिटल 4000 है, ये देख सकते हो शेयर कैपिटल 4000, तो मैं यहां लिखूंगा शेयर कैपिटल 4000 और ये 4000 की अमाउंट दोनों कॉलम्स में आएगी, एक्विजिशन के वक्त भी 4000 थे और रिपोर्टिंग डेट पे भी 4000। ठीक है, नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, अच्छा जो रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं ये 12000 की, ये एज एट 31 दिसंबर 2015 की है, यानी वो इस कॉलम में आएगी, लेकिन एट एक्विजिशन डेट कितनी थी वो आपको यहां से मिलेगी। देखिए वो ये लिख रहे हैं, एट दैट डेट द स्टैंड रिटेन्ड अर्निंग was rupees 10 million. जिस दिन आपने business acquire किया था उस दिन stand की retained earning 10 million थी। ये 10,000 था, जो कि सारी calculation में thousands में कर रहा। अब इसके अलावा फिलहाल जितना हमने पढ़ा है इसमें कोई adjustment नहीं आई। अब इसको plus कर लें, ये acquisition date के वक्त का total आ गया और ये reporting date, और यहाँ पर मैं लिखूंगा post acquisition प्रॉफिट्स। ठीक है, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकलेंगे 8000 माइनस 6000, यानी 2000 मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएगा। ये चीज पहले आपने कैलकुलेट करनी है, नेट एसेट, और इससे जो मैंने रिजल्ट निकाला है वो बड़ा जरूरी है। पोस्ट एक्विजिशन ये जगह जगह जाएगा हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, क्योंकि इस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में 75.5% शेयर हमारा है और 25% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। अब वर्किंग 3 में आएंगे गुडविल। गुडविल, अब गुडविल के लिए मेथड सिलेक्ट करना बड़ा जरूरी है। तो डेटा में आइएगा, कैसे पता लगेगा कि मैं यहां पर फेयर वैल्यू मेथड लगाऊं या प्रोपोर्शनेट। पहली चीज आपने क्या देखनी है, ये मेरी बात को याद रखना है, सबसे पहले आपने देखना है कहीं फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन है। ये नीचे पूरी स्टेटमेंट हमने पढ़ी, कहीं फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई नहीं गिवन। अगर नहीं गिवन तो ऐसा नहीं करना कि प्रोपोर्शनेट में चले जाएं। फिर दूसरी चीज, क्या शेयर प्राइस दी हुई है एस कंपनी की? यस, एस कंपनी की शेयर प्राइस दोनों की गिवन है। जब शेयर प्राइस गिवन है तो हम फेयर वैल्यू मेथड ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइएगा, सबसे पहले जो चीज ना समझ आई ये कैलकुलेशन में मुझसे जरूर पूछिएगा। सबसे पहले मैं लूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको पूरा लफ्ज अगर लिखूं तो फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसीडरेशन। सर एक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सर, ये वर्किंग 2 में हमने रिटेन्ड अर्निंग से शेयर कैपिटल को लेस करना है? नहीं, ऐड करना है। ये लेस कर दिया मैंने, फॉर्मूला गलत हो गया। चले आंसर वही आ रहा है 2000। चल ठीक हो गया, वो प्लस की बजाय मैंने माइनस चेंज लगा दी। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसीडरेशन, इसमें हमने पढ़ा था मैक्सिमम 4 चीजें आती हैं। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या गिवन है। एक तो वो लिख रहे हैं कि एचएल एक्वायर्ड 75 फॉर 10,000 कैश, यानी 10 मिलियन कैश पे एक्वायर किए। ठीक है, यानी यहां मैं कैश लिख देता हूँ और ये कंसीडरेशन यहां ले आता हूँ 10,000। इसके अलावा वो लिख रहा है फर्दर 6000 एग्री टू पे इन 5 ईयर्स टाइम, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, डेफर्ड लाइबिलिटी।
अब ये वो बता रहा है कि हम एग्री टू पे 6,000 इन 5 years टाइम. तो 5 years टाइम और डिस्काउंट रेट क्या है, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना जरूरी है. 10% इंटू 1.10 रेज टू पार. अब यहाँ रेज टू पार नहीं आएगा, मैं ये वाला साइन लगा लेता हूँ रेज टू पार के लिए, और -5. बहरहाल कैलकुलेटर पे आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा क्या आंसर आता है. थ्री सेवन टू सिक्स कर दूं राउंडिंग में या 2.5 आएगा, वो 6 कर 2.6. ठीक है, ये डेफर्ट लाइबिलिटी आ गई. नेक्स्ट देखिएगा, एंड आल्सो एग्रीड टू इशू 2 shares अगेंस्ट 5 shares हेल्ड. यानी अब एग्री ये हुए हैं हम कि शेयर भी इशू करेंगे, जिसको शेयर एक्सचेंज कहते हैं. और ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखें पहले तो आप देखो कि नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर कितने किए हैं, 75%. तो अब इससे भी पहले मुझे ये देखना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने स्टैंड के. स्टैंड के टोटल शेयर कैपिटल 4,000 है और 10 rupees का एक शेयर है, जिसका मतलब 400 शेयर हुए इन थाउजेंड्स में. तो 400 टोटल शेयर थे, लेकिन हमने एक्वायर कितने किए हैं, 75%. पहले तो आप यहां तक निकाल लें कि कितने शेयर एक्वायर किए हैं, यहां तक निकल आए कितने शेयर एक्वायर किए. अब इसमें हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, प्रपोर्शन 2 shares इशू कर रहे हैं अगेंस्ट 5 shares. यानी प्रपोर्शन क्या बना, इंटू 2/5. अब यहां तक नंबर ऑफ शेयर जो मैंने अब इशू करने हैं वो कैलकुलेट हो गए. और आप मुझे शेयर प्राइस चाहिए हॉल की, हॉल की शेयर प्राइस देखो तो 12 rupees एक्विजिशन डेट पे, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो ये मेरा शेयर एक्सचेंज की वैल्यू आ जाएगी. अब इस पूरे वैल्यू को मैं कैलकुलेट करता हूँ, 400 इंटू 0.75 इंटू 2/5 इंटू 12. 12 रुपीज का एक शेयर है मार्केट वैल्यू, ये 1440 अमाउंट आ गई. इन तीनों को जब मैं ऐड करता हूँ, दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन. ये अमाउंट आ गई 15166. अब मैं निकालूंगा जी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई. अब फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कैसे निकलेगी, जो शेयर आपने एक्वायर नहीं किए उसको आप एस कंपनी यानी जो भी आपकी स्टैंड कंपनी है उसकी शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो. देखो 400 टोटल शेयर्स हैं, इसके 25% शेयर एक्वायर नहीं किए आप, और इसकी शेयर की वैल्यू क्या है, ये देखिएगा ₹11 पर शेयर. तो इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आ गई. तो 400 इंटू 25 इंटू 11, ये 1100 आ जाएगी. इसको मैं प्लस करूंगा यहां पर, और इसमें से मैं लेस करता हूं. पहले इसको प्लस कर लीजिएगा, यानी ये परचेज कंसिडरेशन प्लस आपकी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, इसमें से मैं लेस करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ एनसी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड, यानी जो नेट एसेट एक्वायर किए हैं. बताइएगा, आप बताइएगा इसमें से कौन सी अमाउंट लेस करूं. एनी स्टूडेंट, जी खामोश हो गए हो. फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, नेट एसेट किए हैं. अब इसमें दो आ रहे हैं 14,000 और 16,000. मेरा क्वेश्चन ये है, ये 14 लूं या 16 लूं. 14, क्योंकि आप गुडविल निकाल रहे होते एक्विजिशन डेट पे, और ये माइनस करना है इसमें से. मैंने जब माइनस करूंगा यानी 14,000 के एसेट खरीद रहा हूं और पेमेंट कर रहा हूं 16,266, जो मैंने पेमेंट एग्री की है. अब इसका जो डिफरेंस आएगा, दिस इज नॉन एज गुडविल. और ये याद रखिएगा कि ये जो गुडविल मैं निकाल रहा हूँ ये एट एक्विजिशन डेट होती है, और एक्विजिशन डेट मेरी 1 January 2013 है. अच्छा, अब इसके बाद चूंकि इम्पेयरमेंट हो रही है, वो भी यहाँ लाइएगा. इम्पेयरमेंट से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है. कितनी इम्पेयरमेंट हो रही है,
वो लिख रहा है गुडविल वॉज टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एंड इट वॉज आइडेंटिफाइड एट 20% एंड 30% इम्पेयरमेंट वॉज मेड एट 31 December 2014 and 2015. ठीक है, मेरी जो एक्विजिशन है वो कितने सालों की है, 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2015, 13 पूरा साल, 14 पूरा साल, 15 पूरा साल, यानी 3 साल की एक्विजिशन है, ये याद रखेगा। लेकिन 31 दिसंबर 2013 को कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुई, एक इम्पेयरमेंट हो रही है 14 में, एक इम्पेयरमेंट हो रही है 15 में, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट 50% कर सकता हूँ इम्पेयरमेंट? एनी स्टूडेंट? यस सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट 50% करेंगे तो याद रखिएगा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। लॉजिक क्या है वो जरा अंडरस्टैंड करें। इम्पेयरमेंट होती है हर साल के एंड पर, मतलब पहला साल खत्म हुआ 13 में कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुई, तो यही कैरिंग अमाउंट अगले साल जाएगी, ओपनिंग बैलेंस, एग्रीड? अगले साल जब आओगे 14 में, तो उसने कहा जी 14 में इम्पेयरमेंट हुई है 20%, तो मैं 20% इस अमाउंट का निकालूंगा 2266 का। ठीक है, जब इम्पेयरमेंट होती है तो वैल्यू कम हो जाती है, तो जब मैं 15 में आऊंगा तो 30% इम्पेयरमेंट जब लूंगा तो 2266 का तो नहीं लूंगा ना, बल्कि उस अमाउंट का लूंगा जो इम्पेयरमेंट लेस होके आई हुई है कैरिंग वैल्यू। इसलिए जब दो साल की अलहदा इम्पेयरमेंट दी हो तो अलहदा कैलकुलेट करनी है, तो मैं पहले पहले कैलकुलेट करूंगा इम्पेयरमेंट ऑफ 2014 एट 20%। अब देखिएगा, अब जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आप खुद देखेंगे वैल्यू में फर्क होगा। अब मैं 2014 की अगर इम्पेयरमेंट लूं तो इस अमाउंट का 20% होगा, ये पहले लेस करूंगा, ये लेस करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ जाएगी गुडविल एज एट 31 दिसंबर 2014, क्योंकि इम्पेयरमेंट 14 की लेस की है, और इसको जब मैंने लेस किया अब 1813 आया, अगेन इम्पेयरमेंट लूंगा, लेकिन अब मैं इम्पेयरमेंट ले रहा हूँ 2015 की, और अब जो रेट लगेगा वो 30% लगेगा, और 30% किस अमाउंट का, 30% हमारा होगा 1813 का। अब दोनों इम्पेयरमेंट को अगर मैं वैसे टोटल करूं समझाने के लिए, तो ये बन रही है 453 + 544 997। अगर इसका डायरेक्ट 50% लेता तो 1133 आता। दोनों में फर्क आप देख सकते हैं, बिकॉज इम्पेयरमेंट शेल बी अप्लाइड ऑन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एट दैट टाइम। समझ आ गई ये लॉजिक, समझ आ गई आप लोगों को? जब दो इम्पेयरमेंट दी हो तो आपने इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। अब ये मेरी फाइनल गुडविल है जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में आएगी, जिसको मैं गुडविल एज एट 31 दिसंबर 2015 भी कह सकता हूं। अब इस अमाउंट को कैलकुलेट करने, 1813 - 544, तो 1269 की अमाउंट मेरी गुडविल की कैलकुलेट हो। ठीक है, यहां पर कोई क्वेश्चन किसी को करना हो? फोर्थ वर्किंग एनसीआई वर्किंग फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा, अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, ये ऑलरेडी कैलकुलेट होता है क्योंकि ये एक्विजिशन डेट की होती है, ये ऑलरेडी कैलकुलेट है। दिस वन फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 1100। अब इसमें आपने ऐड क्या करना है, एनसीआई शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है मेरा, अब ऊपर देख लीजिएगा वर्किंग टू में 2000, और 2000 का कितने परसेंट लो, जितने परसेंट एनसीआई है 25%, 2000 का 25%। अब ये 2000 का 25% मैं इसमें ऐड करूंगा, क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है। अच्छा, उसके बाद अब तीसरी चीज हमने पढ़ी थी इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट आपकी एनसीआई में कब आएगी, व्हेन फेयर वैल्यू मेथड इज यूज्ड। अगर प्रोपोर्शनेट मेथड है, ये कल हमने एडजस्टमेंट डिस्कस की थी, अगर आपका प्रोपोर्शनेट मेथड है तो जितनी भी इंपेयरमेंट है वो सारी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में जाती है।
लेकिन अगर आपका फेयर वैल्यू मेथड है तो ये गुडविल दोनों, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल दोनों जगह जाएगी, एनसीआई में भी 25% और ग्रुप रिटेन अर्निंग में 75%। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं इंपेयरमेंट लॉस। अब इंपेयरमेंट लॉस दो है, 453 प्लस 544, इन दोनों को ऐड करके एक ही मर्तबा इसका 25% यहां ले लें। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करें, 453 प्लस 544 इनटू 0.25, ये 249 की मेरे पास इंपेयरमेंट का शेयर आ गया, वो इसमें से माइनस होगा, यानी ये लॉस मैं चार्ज करूंगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को। यही तीन चीजें यहां आनी है, इन तीनों को सम कर लो, 1351, दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब लास्ट वर्किंग देखिएगा, वर्किंग फाइव, दैट इज ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, जीआरई। इसमें सबसे पहले मैं पेरेंट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग लेता हूं, हॉल रिटेन्ड अर्निंग। हॉल की रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, यहां आइएगा, ये रिटेन्ड अर्निंग हॉल की है 13,000, दिस वन। ठीक है, ये 13,000 यहां लिया। अब यहां पर मैं लूंगा स्टैंड रिटेन्ड अर्निंग, लेकिन कौन सी, पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और वो कैसे निकलेगा, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 2000, और 2000 का कितने परसेंट आएगा, 75%, क्योंकि 2000 का 25% मैं ट्रांसफर कर चुका हूं किसको, एनसीआई को। तो ये 2000 का 75% बनेगा, ये 1500 आ गया। अब लेते हैं इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट जो लॉस हमने कैलकुलेट किया हुआ है 453 प्लस 544, इसका आप लोगे 75%। पहले 25% आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, 453 प्लस 544 इनटू 0.75, ये 748 का जो इंपेयरमेंट लॉस है ये मैं इसमें से माइनस कर देता हूं। ठीक है, अच्छा, ये सारा रिकॉर्ड करने के बाद अब एक एडजस्टमेंट और आ रही है। अगर आप देखें तो हमने डेफर्ड कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की थी यहां पर, डेफर्ड लाइबिलिटी, अब इसकी अनवाउंडिंग करने की, अनवाउंडिंग। ठीक है, तो यहां पर फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट होगी। अब इसके लिए मैंने फिर वर्किंग बनानी है, तो इसके लिए आप वर्किंग सिक्स भी कर सकते हो, फाइव के बाद कोई वर्किंग नहीं होती, लेकिन हम इस तरह अक्सर करते हैं कि इसके दरमियान कोई वर्किंग आ जाए तो हम उसको उसी में नंबर कर, मतलब फोर्थ में कोई वर्किंग बनानी पड़े तो मैं 4.1 कर दूंगा, थ्री के लिए कोई वर्किंग बनानी पड़े तो 3.1 करूंगा, इसी तरह फाइव के लिए वर्किंग बनानी पड़ेगी तो मैं 5.1 करता हूँ, ताकि मेरे नंबर जो है वो स्टैंडर्ड वर्किंग के वही रहे, लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब फाइनेंस कॉस्ट में निकालूंगा तो ऑटोमेटिकली जो भी टोटल आएगा वो पहले ही कर लेता हूँ टोटल, वो बाद में कैलकुलेशन करते हैं। ये सारी एडजस्टमेंट यहाँ आ जाए, 13752 ये मेरा आंसर होगा, लेकिन अभी तो 752 है, अभी मैंने ये अमाउंट ऐड करनी है, माइनस करनी है। अब आइएगा यहाँ पर वर्किंग नंबर 5.1 फाइनेंस कॉस्ट। जी मुझे आप ये बताइएगा फाइनेंस कॉस्ट कितने सालों की अनवाउंड करनी पड़ेगी, कितने सालों की, एक्विजिशन डेट कब है, 1 जनवरी 2013, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट की है डेफर्ड लाइबिलिटी 36726, ये 1 जनवरी 2013 की है, और मेरी रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2015, इसका मतलब है कि 3 साल गुजर चुके हैं, 3 साल की अनवाउंडिंग करनी, 3 साल की। अब 3 साल की अनवाउंडिंग का क्या तरीका होगा, क्योंकि हर दफा आप फाइनेंस कॉस्ट निकालोगे उसमें ऐड करोगे, तो आसान तरीका क्या है,
अब इसी तरीका मैं ला रहा हूं, देखिएगा मैं पहले लेता हूं डेफर्ड लाइबिलिटी एज एट 31 दिसंबर 2015, मैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग डेट पे निकाल लेता हूँ। और डेफर्ड लाइबिलिटी हमारी क्वेश्चन में कितनी थी, हमने कितनी अमाउंट पे करनी है, 6,000,000 इनटू, अब डिस्काउंटिंग करनी है, अब 15, 3 साल गुजर चुके हैं आज की डेट से, 31 दिसंबर 2015 से कितने साल के बाद आपने पेमेंट करनी है, टोटल 5 ईयर्स से जिसमें 3 साल गुजर चुके हैं, अब 2 साल रह गए, जिसका मतलब मैं 2 साल की अब डिस्काउंटिंग करूंगा 1.10 रेज टू पावर -2, तो जरा कैलकुलेट कीजिएगा कितनी अमाउंट आती है। ठीक है जी, ये अमाउंट आ गई डेफर्ड लाइबिलिटी की। और एक डेफर्ड लाइबिलिटी मैं दोबारा लाता हूँ जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1 जनवरी 2013, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इस अमाउंट को यहाँ लाके मैं माइनस कर देता हूँ, यानी जिस दिन आपने एक्वायर किया था उस दिन लाइबिलिटी 3726 थी, आज लाइबिलिटी बढ़कर 4959 है, ये जो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ये ओनली एंड ओनली ड्यू टू फाइनेंस कॉस्ट, और ये फाइनेंस कॉस्ट 3 सालों की कॉस्ट है, ये 1 साल की नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट बनती है। लेकिन इसका अल्टरनेट मेथड क्या है वो भी देख लीजिएगा, वो जरा लेंथी होता है इसलिए मैंने ये मेथड यूज किया, ये अल्टरनेट वही है जो हम करते आ रहे हैं, ये अल्टरनेट मेथड जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जरा प्लीज ये याद रखिए, ये वहां जरूर यूज करें, बेशक यूज करें, या 1 साल की अनवांटिंग उसमें मैं उसी तरह लेकर चलूंगा, मैं पहले आऊंगा डेफर्ड लाइबिलिटी जो मेरी ओपनिंग है 1 जनवरी 2013 की 3726, मैं पहले 2013 की फाइनेंस कॉस्ट निकालूंगा जो कि यकीनन 10% होगी, एट 10% इस अमाउंट का 10% लेते हैं इनटू 0.10 और इसके बाद मैं इसको ऐड करूंगा, पहले ये ऐड करता हूं, ऐड करने के बाद 409 आया, फिर फाइनेंस कॉस्ट निकाल रहा हूं और अब फाइनेंस कॉस्ट 2014 की है 10% और ये 10% किस अमाउंट का निकलेगा, 4099 का 10%, 410 आया, अगेन इसको ऐड किया मैंने और अब तीसरे साल की फाइनेंस कॉस्ट निकालूंगा 2015 एट 10%, इसका 10% लीजिएगा 4508 का, तो 451 आया, अब इसको प्लस कर लें तो ये वही लाइबिलिटी बन रही है जो आपकी 4959 कैलकुलेट हुई है, ठीक है। लेकिन मुझे तो फाइनेंस कॉस्ट चाहिए, तो फाइनेंस कॉस्ट के लिए इन तीनों सम अमाउंट्स को टोटल कर लो, यानी टोटल फाइनेंस कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक पहले साल की 373 है, दूसरे साल की 410 है, तीसरे की 450। अब इन तीनों को अगर मैं प्लस कर लूं, ये मेरी अमाउंट जाएगी वर्किंग 5, 1233। तो ये काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है जब साल से ज्यादा हो, तो इस पैटर्न एज एट का कॉन्सेप्ट यूज करो, यानी आज की डेट की लाइबिलिटी क्या है और जिस दिन आपने बिजनेस को एक्वायर किया था उस दिन लाइबिलिटी क्या है, यकीनी बात है अब जो डिफरेंस आएगा वो फाइनेंस कॉस्ट की वजह से ही है, तो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट मैथ, ठीक हो गया। मैंने दोनों इसलिए किए हैं ताकि आपके जेहन में रहे, इसको आप लिखे अल्टरनेट वर्किंग। ओके, अब फाइनेंस कॉस्ट माइनस होगी, ये मैंने माइनस कर दिया, अब मेरे ये 5 की 5 वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, मेन हेडिंग एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले मैं लूंगा नॉन करंट एसेट्स, अच्छा नॉन करंट एसेट में
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये प्लीज अपना वीडियो ऑफ कीजिएगा। कौन स्टूडेंट है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड इक्विपमेंट। अच्छा, अब इसमें हमने रूल क्या पढ़ा था? ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडियरी मस्ट बी एडेड एज लाइन बाय लाइन आइटम। इन सिंपल इन दोनों को ऐड कर देना है। 35,000 प्लस 25,000 यानी 35 प्लस 20 इन दोनों को ऐड कर देना। तो ये मेरे पास 55,000 की अमाउंट आ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके बाद अगर आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट इन स्टैंड, ये तो वैसे कैंसिल होनी है ना, ये तो आनी नहीं है कंसोलिडेशन प्रोसेस में। और उसके बाद डायरेक्ट करंट एसेट आ जाते हैं, लेकिन करंट एसेट से पहले मैं गुडविल लेकर आऊंगा। गुडविल भी नॉन करंट एसेट है और उसको रेफरेंस दूंगा वर्किंग नंबर 3। अब गुडविल आ रही है हमारे पास दिस वन 1269। तो पहले इसको टोटल किया हमने नॉन करंट एसेट्स को, अब इसको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा टोटल ऑफ एसेट्स होगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। यहां मैं लिखूंगा टोटल एसेट्स। इट्स अ वेरी इजी यानी कंसोलिडेशन। अब तो जब ये वर्किंग बन जाती है तो बहुत आसानी से ये हम सॉल्व सिंपल प्लस करते चले जाए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हेडिंग है लाइबिलिटीज। पहले आप ले कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ठीक है जी, अब इसमें इक्विटी लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, इक्विटी में शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल किस कंपनी का आएगा, किसका आएगा? सिर्फ और सिर्फ हॉल का। स्टैंड की जो इक्विटी पोर्शन है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, ये तो आएगा ही। ठीक है, तो अब यहां से सबसे पहले लेता हूं शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल हॉल का कितना है? 10,000। अब यहां जरा कैलकुलेशन आपने समझ लिया, प्लस आपने कुछ मजीद शेयर भी इशू किए, ये जो शेयर एक्सचेंज की है। ठीक है, अब इसमें इसकी कैलकुलेशन में अलग लाता हूं शेयर कैपिटल की। ठीक है, इसको हम वर्किंग 6 में ले जाता हूं क्योंकि आगे जितनी बरसी वर्किंग बनाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्किंग 6 शेयर कैपिटल। ठीक है, और ये शेयर कैपिटल किसका है? ऑफ मेन कंपनी और क्योंकि पेरेंट का तो आना ही है। तो शेयर कैपिटल जो गिवन है वो कितनी अमाउंट है? क्वेश्चन में देखिएगा गिवन अमाउंट है हमारे पास 10,000। ठीक है, अच्छा अब आपने शेयर एक्सचेंज किए, जब शेयर एक्सचेंज किए तो न्यू शेयर भी इशू किए थे, ये ऊपर देखिएगा, वो यहीं से हम ले सकते हैं। देखो 400 × 75% × 2/5 यहां तक जो अमाउंट आपने कैलकुलेट की है वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और आगे 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। एक शेयर कितनी वैल्यू का है? 10 रुपीस का, तो ये 12 प्राइस है, तो इसका मतलब इसमें 10 रुपीस जो है वो शेयर कैपिटल है और 2 रुपीस शेयर प्रीमियम है। ठीक है, तो ये यहां पर मैं लाऊंगा इसी वर्किंग को, जो शेयर एक्सचेंज वाली वर्किंग वो यहां ले आते हैं और इसको मैं चेंज कर लेता हूं शेयर इशूड। ये वो शेयर है जो फर्दर आपने इशू किए, और कितने इशू किए? 400 × 75% × 2/5 × 10 करूंगा। अब 12 नहीं कर रहा क्योंकि 2 शेयर प्रीमियम में जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को यहां ले आए, 400 × 0.75 × 2/5 × 10, तो 1200
वैल्यू आ गई शेयर कैपिटल की जो एडिशनल है, तो ये 11,200 हो गया। और नीचे हम वर्किंग बना लेते हैं इसी से नीचे शेयर प्रीमियम, क्योंकि शेयर प्रीमियम आपको गिवन नहीं है। तो शेयर प्रीमियम कितना आएगा, अब देखिए इसकी कैलकुलेशन, 400 शेयर आप उस कंपनी के थे स्टैंड के, इसके 75% शेयर आपने एक्वायर किए और उसमें 2 शेयर्स आपने इशू किए अगेंस्ट 5 शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर आ गया और उस पे 2 रुपीज प्रीमियम है। अब देखो 10 रुपीज में ले गया शेयर कैपिटल में और 2 रुपीज शेयर प्रीमियम में। अब इसकी अगर कैलकुलेशन करें 400 × 0.75 × 2/5 × 2 तो ये 240 आते हैं, और अगर इन दोनों को प्लस करो तो 1440 ये वही अमाउंट बन गई। तो ये जो अमाउंट आई है ये यहाँ लाऊंगा शेयर कैपिटल, यहाँ लिखूंगा शेयर कैपिटल वर्किंग नंबर 6 और शेयर कैपिटल मेरा बना था जी 1200 और साथ ही शेयर प्रीमियम भी आ जाएगा, बेशक वो गिवन नहीं है लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपका शेयर प्रीमियम भी कैलकुलेट हुआ वर्किंग नंबर 6 और ये शेयर प्रीमियम हमने कैलकुलेट किया है 240। तो ये चीज ख्याल करनी है कि जो शेयर आपने इशू किए हैं कंसोलिडेशन प्रोसेस में वो आपने इन शेयर कैपिटल में ऐड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके आगे आता है रिटेन्ड अर्निंग। अब ये वाली रिटेन्ड अर्निंग नहीं लेनी, मैं ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, इसके साथ ग्रुप का वर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऊपर ग्रुप लिखा होता है और ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं वर्किंग नंबर 5। यहां पर आइएगा वर्किंग 5 में, ये 12519। अच्छा यहां तक अब पहले आपने टोटल करना है, इक्विटी मुकम्मल नहीं होगी, ठीक है, या ये आप करोगे तो बहुत अच्छा है, जो लेटेस्ट फॉर्मेट हम यूज करते हैं उसमें इसी तरह करते हैं। ये 23959 की जो अमाउंट आई है इसको कहते हैं कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। अब मैं लूंगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई, ये जो अमाउंट आई है इसको मैं हाईलाइट करूंगा, पहले इतने हिस्से को आपने टोटल करना है ताकि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकले। फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके होते हो वर्किंग नंबर 4 में, वर्किंग नंबर 4 और वर्किंग नंबर 4 में देखिए ना ये 1350 ये अमाउंट आ गई। अब जब मैं इसको टोटल करूंगा नाउ इट बिकम्स एन इक्विटी, अब ये मेरा इक्विटी आएगा दिस वन, ठीक है। बेशक यहाँ आप इस तरह करना क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट तो है नहीं, इसको प्लस किया दिस वन इज द अमाउंट ऑफ इक्विटी। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट आइएगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 8% डिबेंचर लोन दिए हुए नॉन करंट लाइबिलिटी, ये नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, ऑन करंट लाइबिलिटी में हम लिखेंगे 8% डिबेंचर लोन्स, अब 8% डिबेंचर लोन्स पेरेंट कंपनी के कितने हैं 20 और प्लस 9, ये अमाउंट 29,000 की यहां पर आ जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। ये पहली नॉन करंट लाइबिलिटी आई, ठीक है, उसके बाद सेकंड, इसके बाद तो करंट लाइबिलिटी आ गई, लेकिन एक नॉन करंट लाइबिलिटी और आएगी, दैट इज डेफर्ड लाइबिलिटीज, डेफर्ड लाइबिलिटी जो कंसोलिडेशन प्रोसेस में क्रिएट हुई है वर्किंग नंबर, ये हमने वर्किंग नंबर 5.1 में कैलकुलेट की थी अगर याद हो आपको, ये आपके सामने यहां पर आएगी जो 31st December 2015 की है, दिस वन 4959, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने ये नॉन करंट लाइबिलिटी का टोटल होगा, ठीक है। अब यहां मैं करंट लाइबिलिटी को एक ही दी हुई है, अब करंट लाइबिलिटी 18 + 9 तो इसको हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, 18 + 9
which is equal to 27,000. अब ये तीन अमाउंट मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है, एक नॉन करेंट लाइबिलिटी, एक करेंट लाइबिलिटी और एक इक्विटी. अब इन तीनों को ऐड कर दें, ये इक्विटी आ गई प्लस दिस वन प्लस दिस, तो 86269, यू कैन सी कि इट विल बी इक्वल टू द टोटल एसेट्स, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. द अमाउंट हमेशा इसके इक्वल आनी चाहिए. ये भी बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, ये कोई लेंथी नहीं है, लेकिन इसमें छोटी में भी टाइम इसलिए लगता है कि वर्किंग्स आपने उतने ही बनानी होती है. ज्यादा जब क्वेश्चन आगे जाएंगे तो एडजस्टमेंट, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट बढ़ती जाएगी, ठीक है, बाकी और इसमें कोई नहीं. हाँ, अब बताइएगा कोई क्वेश्चन आपने करना हो यहां तक. ओके, देन ठीक है जी. अब मैं अगली एडजस्टमेंट्स की तरफ मूव करता हूं. नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स, अब ये जो मैं एडजस्टमेंट लेने लगा हूं, ये हर क्वेश्चन में मिलेगी आपको. पास पेपर का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, इसके बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता, बिकॉज कंसोलिडेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपसे कहते हैं जी कि ऑल द एसेट मस्ट बी ब्रॉट एट फेयर वैल्यू, एसेट एंड लाइबिलिटी. जितने भी आपके एसेट और लाइबिलिटी हैं वो आपकी, चाहे हिस्टोरिकल कॉस्ट आप यूज कर रहे हो, लेकिन स्टैंडर्ड के रूल के मुताबिक जिस दिन एक्विजिशन कर रहे हो उस दिन सारे फेयर वैल्यू पर आएंगे. इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. ये तीसरी मेरी एडजस्टमेंट है. इससे पहले दो एडजस्टमेंट मैं करवा चुका हूँ, एक फाइनेंस कॉस्ट और सेकंड इंपेयरमेंट, जो मैंने आज आपको अप्लाई करके भी दिखाई, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. इसी तरह अगली दो तीन एडजस्टमेंट करके फिर एक एग्जांपल इसी तरह की मैं करवाऊंगा जो इससे लेंथी होगी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. जैसे मैंने अभी बताया कि एज पर रूल ये सिर्फ कंसोलिडेशन रूल है, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शैल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू. जितने भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं वो फेयर वैल्यू पर लाते हैं. और जब हम ये गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ये देखिएगा गुडविल की, तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड, ये गौर से देखो, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड, यानी अभी तक तो हमने फेयर वैल्यू ली नहीं ना, अभी तक तो बुक वैल्यू ले रहे हैं. अभी तक ये जो अभी यहाँ तक एग्जाम्पल की है उसमें अभी हम सिंपल ये अज्यूम कर सकते हैं कि देयर विल बी नो चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी. लेकिन वर्ड हमने फेयर वैल्यू लिखना है क्योंकि हमने लाने ही फेयर वैल्यू, ठीक है. तो इसमें एक एक चीज की डिस्कशन करेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है. तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पहले मैं सबसे पहले स्टेप पे लूंगा नॉन डेप्रिसिएबल एसेट. अगर आप फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर रहे हो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, और ये याद, ये फर्दर आपने माइंड में रखना है कि जो ये जो एसेट्स और लाइबिलिटी जिसकी मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं, जिसको फेयर वैल्यू पर ला रहा हूं, इट इज नॉट रीवैल्यूएशन. प्लीज कीप इन माइंड, रीवैल्यूएशन इज समथिंग एल्स जो IAS 16 जिस पे अप्लाई होता है. ये तो मैंने अभी कहा है कि ऐसे एसेट जिसपे हिस्टोरिकल कॉस्ट आपने लगाया हुआ है उस पर, उसको भी फेयर वैल्यू पर लाना जरूरी होगा फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन ओनली. लेकिन जो उनके सिंगल कंपनी अकाउंट्स हैं, जो नॉर्मल अकाउंट बन रहे हैं, वो उसी तरह रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि कंसोलिडेशन के अपने रूल है, आपके सारे एसेट्स और लाइबिलिटी फेयर वैल्यू पर आएंगे, ठीक है. जब फेयर वैल्यू पर आते हैं तो इसमें मैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करता जाऊंगा. पहले नॉन डेप्रिसिएबल एसेट लाइक लैंड,
अगर आपके सब्सिडियरी के पास कोई लैंड है और लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो यकीनी बात है नेट एसेट में इसका इम्पैक्ट आएगा ना। आप वर्किंग टू जब बनाते हो, अभी तक जो वर्किंग टू हमने पढ़ी है उसको जरा सामने रखिएगा। नेट एसेट्स ऑफ एस एट एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट, इसमें हम दो चीजें ले रहे हैं, एक शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग। ये तीन चीजें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो टोटल आ रहा है ये मेरे नेट एसेट्स, लेकिन क्या ये फेयर वैल्यू है? ये तो बुक वैल्यू है, क्योंकि ये आपने इक्विटी पोर्शन जो उठाया है ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पर है। अब जब मैं नॉन डेप्रिसिएबल एसेट को फेयर वैल्यू पे लाता हूं और मैं पहले कहता हूं जी इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू यानी फेयर वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज इन वैल्यू, और इसको इस तरह लिख लीजिएगा व्हेन फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। मिसाल के तौर पे एक लैंड जो है वो आपकी 40 मिलियन की थी बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू आपने ली तो 50 मिलियन है, तो इसका मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन वैल्यू। अब इंक्रीज इन वैल्यू का बड़ा क्लियर मतलब ये है कि ये जो एसेट आ रहे हैं नेट एसेट जो आपने कैलकुलेट किए ये अंडरस्टेट हो रहे हैं, तो मुझे इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो लिहाजा इसका इफेक्ट कहां जाएंगे, इसका पहला इफेक्ट आप ये लोगे ये इंक्रीज इन वैल्यू का एड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ये जो आपने सिर्फ डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आया ना 10 मिलियन का, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। एड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन वर्किंग टू, वर्किंग टू कौन सी हमने पढ़ी, नेट एसेट्स वाली। ये वर्किंग टू में हम इसको ऐड करेंगे, लेकिन अब मसला ये है कि वर्किंग टू में टू कॉलम्स है, तो किस कॉलम में ऐड होनी चाहिए? यकीनन जिस वक्त आप फेयर वैल्यू पर ला रहे हो तो एक्विजिशन के वक्त तो ऐड होगी, वो तो नेचुरल सी बात है, गुडविल इसी बेस पे निकालनी है फेयर वैल्यू पर, लेकिन रिपोर्टिंग डेट में भी आएगी। ठीक है, क्यों आएगी भाई? जब आप एक दफा वैल्यू बढ़ा रहे हो तो एज एट भी तो वही रहेगी ना वैल्यू। जब मैं कहता हूँ जी आज की वैल्यू पे, हाँ अगर आपने लैंड बेच दी है एक्विजिशन से रिपोर्टिंग डेट के दरमियान में, फिर आप कह सकते हो कि नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मली इसको दोनों में हम लेंगे। Add fair value adjustment in working two, और जो मैं लिख रहा हूं both columns, ये पहली adjustment है इसके करेंगे, पहला effect। Second effect, अच्छा अब चूंकि मैं इसको फेयर वैल्यू पर ले आया हूं, जब मैं कंसोलिडेट करूंगा, जैसे अभी इसको सामने रखिएगा, ये मैंने PPE सिंपल प्लस किया था ना, क्योंकि बुक वैल्यू थी, तो अब अगर इसको फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही है यानी इंक्रीज इन वैल्यू हो रही है, तो इसको ऐड करूंगा एट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन पीपीई, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा होता है, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, ठीक है, इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। यानी इसका एक इफेक्ट वर्किंग पे आएगा और दूसरा इफेक्ट सीधा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आएगा। अभी तक जो हमने कंसोलिडेटेड आज तक बनाई थी उसके अंदर सिंपल और सिंपल प्लस करते गए, लेकिन एडजस्टमेंट्स कोई ऐसी नहीं आई जो उसको इफेक्ट करती है। सो आए दो तीन एडजस्टमेंट के, जैसे गुडविल लेकर आया, एनसीआई लेकर आया, नॉन वो जो आपने डेफर्ड लाइबिलिटी कैलकुलेट की और शेयर्स जो है वो ऐड किए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर डिक्रीज इन वैल्यू होगी नॉन डेप्रिसिएबल एसेट की, और ये कब होगी, व्हेन द फेयर वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू ज्यादा है, फेयर वैल्यू कम है, तो मैंने इसको फेयर वैल्यू पे लाना है। जब फेयर वैल्यू पे लाऊंगा तो यकीनी बात है ये कम हो जाएगी, तो ये फिर प्लस नहीं होगी, ये माइनस होगी। तो सेम वही रखना है, नंबर वन और नंबर टू कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपने ये, मैं यहां पर रेड कलर से जहां ऐड का लफ्ज है वहां पर मैं सब्ट्रैक्ट लिखता हूं,
यानी पहला बाकी वही चीज है, आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, यानी इसको सर रिप्लेस किया है। सो इसका मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन वर्किंग फ्रॉम वर्किंग टू बोथ कॉलम, यानी ये दोनों कॉलम से मैं इसको माइनस कर दूंगा जैसे मैंने किया हुआ है। और फिर दूसरा, जिस वक्त मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनाऊंगा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन जब बनाऊंगा तो उसके अंदर इसको माइनस कर दूंगा। यानी कैसे, जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में आते हैं, और अभी हमने पढ़ा जैसे पीपीई लिया आपने, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था अभी तक, पेरेंट कंपनी की पीपीई प्लस एस कंपनी की, और यहां पर मैं प्लस माइनस कर दूंगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब ये प्लस कब होगी ये देखिएगा, दिस वन एट फेयर वैल्यू इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन वैल्यू, और माइनस कब होगी when there is a decrease in value। तो ये सिंपल ये इफेक्ट आपने लेके जाना, और इसकी वजह से यानी ये इस एडजस्टमेंट के बाद गुडविल खुद बहुत एडजस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप एक्विजिशन डेट पे इसका इफेक्ट लेके जाते हो तो ये नेट एसेट चेंज हो जाते हैं, और ये वाला जो टोटल है ये आपका गुडविल में जाता है। तो गुडविल खुद बहुत इफेक्ट एडजस्ट होती है, हमें करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये याद रखिएगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से गुडविल कम या ज्यादा हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था जी, सर अगर स्पेशली कहते कि जो है ना एक्विजिशन डेट पे नहीं हुआ, रिपोर्टिंग डेट पे हुआ है, तो फिर हम दोनों कॉलम में तो नहीं ऐड, फिर रिपोर्टिंग डेट पे सिर्फ ऐड करेंगे। अच्छा अब सुनिएगा, अगर आपने जो क्वेश्चन किया है, अगर रिपोर्टिंग डेट पे वो कहता है क्वेश्चन में, ये भी हम एक क्वेश्चन करेंगे पास्ट पेपर में आया हुआ है, ठीक है, जिस वक्त रिपोर्टिंग डेट पे हो रहा है तो याद रखिएगा वो फिर कंसोलिडेशन रूल नहीं है, वो सिंपल रूल है आईएस 16 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो रिवैल्यूएशन हो रही है, ठीक है, उसको रिवैल्यूएशन की तरह ट्रीट करना है। लेकिन जो कंसोलिडेशन प्रोसेस में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आती है, ऑलवेज रिमेंबर, वो हमेशा एक्विजिशन डेट पे आती है, और नेचुरली इसका इफेक्ट रिपोर्टिंग डेट पे आना ही आना है ना, एज एट। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। नेक्स्ट आगे चलिए, अच्छा जी नंबर टू, अब मैं लूंगा डेप्रिसिएबल एसेट, अगर आपका डेप्रिसिएबल एसेट आता है तो एडजस्टमेंट में एक चीज का इजाफा और भी हो जाता है, यानी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो उसी तरह होनी है ना। अब अगर देखिएगा बुक वैल्यू, अब ये डेप्रिसिएबल एसेट, फर्ज करें ये हमारा प्लांट है, इसकी बुक वैल्यू है 40 मिलियन, और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 50 मिलियन, सिंगल कंपनी अकाउंट में 40 मिलियन आ रहे, लेकिन कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको 50 मिलियन पे लेके जाऊंगा, ठीक है, एक्विजिशन डेट पे। तो जिस वक्त एक्विजिशन डेट पे मैं इसको 10 मिलियन पे लेके आया, वो रूल तो वही रहा, लेकिन फिर रिपोर्टिंग डेट में जब आऊंगा तो फिर आपकी यहाँ डेप्रिसिएशन जो होगी सिंगल कंपनी अकाउंट में वो कॉस्ट पर होगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, लेकिन आपकी यहां पर जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेचुरली आपकी होनी चाहिए मार्केट वैल्यू पर, क्योंकि मेरी अब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू है, तो डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट यहां पर मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, बाकी चीज वही है। अब देखिएगा इंक्रीज इन वैल्यू, मैं उसी को ले रहा हूं इंक्रीज इन वैल्यू, अगर वैल्यू ज्यादा हो रही है, यानी मीन व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन इट्स बुक वैल्यू, तो इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे, कहां कहां जाएंगे। नंबर वन, हम ऐड करेंगे उसी तरह, पहले तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लो ना, ऐड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन वर्किंग टू बोथ कॉलम्स, बिल्कुल उसी तरह, हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन जब मैंने ये दोनों जगह ऐड कर दिया, यानी ये पहला कॉलम है एक्विजिशन और दूसरा रिपोर्टिंग डेट, मैंने इसको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर दी प्लांट की,
फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट। अब जैसे 40 से 50 पे लेके आया तो 10 मिलियन की वैल्यू बढ़ गई, दोनों कॉलम में ले लिया, लेकिन एक्विजिशन से लेकर रिपोर्टिंग डेट तक दोनों की डेप्रिसिएशन में फर्क आएगा। सिंगल कंपनी अकाउंट की डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है, कंसोलिडेशन प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डेप्रिसिएशन को लेकर आना है फेयर वैल्यू में। अब वैल्यू चूंकि इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड हुई है, मुझे मजीद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, जब मैं मजीद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा तो नेट एसेट्स कम हो जाएंगे। जब नेट एसेट कम होंगे तो मैं लेस कर दूंगा उसमें से, नेट एसेट्स में से लेस करूंगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन। फ्रॉम वर्किंग टू, लेकिन ये सिर्फ कौन से कॉलम में आएगा? रिपोर्टिंग डेट कॉलम। उसकी रीजन क्या है कि ये जो डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड कर रहे हो ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड की, फ्रॉम एक्विजिशन डेट से लेकर रिपोर्टिंग डेट, तो इसका मतलब है ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को इफेक्ट करेगी। तो जब मैं यहां जीरो करता हूं, यानी यहां जब डेप्रिसिएशन लूंगा इसी पर, तो ये सपोज 2 मिलियन, तो 2 यहां से माइनस होगा। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पे इफेक्ट आ गया, ऑटोमेटिकली इफेक्ट आएगा। तो लिहाजा आपने इसको लेस करना है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन को वर्किंग टू में सिर्फ रिपोर्टिंग डेट। और वेरी लॉजिकली देखो, आज मैंने एसेट जो है एक्वायर किया कंपनी को, आज ही तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करूंगा ना, आज तो मैं फेयर वैल्यू पे ला रहा हूँ, और फिर जब एक साल गुजरेगा तो मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा, तो डेप्रिसिएशन सिर्फ रिपोर्टिंग डेट पर आए। तीसरा इफेक्ट, अब इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो है वो कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप क्या करोगे? पीपीई में आप पी कंपनी की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेते हैं, प्लस एस कंपनी। अब इसमें मैं पहले प्लस लिख रहा हूं सिर्फ, क्योंकि ये मैं इंक्रीज को बता रहा हूं,